हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की जो महापंचायत है वो जल्द ही आयोजित की जाने वाली है, और इसको लेकर दोस्तों जो हमारी आज की अपडेट है कि महापंचायत में हमारे कौन कौन सी मांगें रखी जानी हैं और किन किन बिंदुओं पर जो है हमारी मांग होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपके सभी मुद्दों की जानकारी के बारे में पक्ष रखने की बात कही गई है, जैसे कि आपका नियमितीकरण की बात रखी गई है, अगर आपका जो 12 माह का सेवा काल है, 62 वर्ष की आयु है, जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया उनको बीएड डीएड करवाने की भी बात कही गई है, और दोस्तों इसके साथ जो आपका मानदेय है उसको दोगुना करने की भी बात कही गई है। तो चलिए शुरू देखते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं आपको अवगत करवाई जाती हैं। हाँ सर, आज जो आपकी बैठक हुई है यहाँ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में, ये किस उपलक्ष्य में हुई है? आज की बैठक का जो आयोजन हुआ है, ये हमारे समस्त जिले के अतिथि शिक्षकों को एक साथ लेने के बाद हम लोग 11 अगस्त को वहाँ पर लाहर के लिए प्रस्थान करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का समय लगभग 11 या 12 बजे के बीच का है आने का लाहर में। वहाँ पर हम सभी जिले के अतिथि शिक्षकों के साथ एक ज्ञापन पत्र देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी से अपनी नियमितीकरण की मांग रखेंगे, और मांग रखने के बाद वहाँ से जैसा भी निर्देश होगा अपने अन्य साथियों का, इसके बाद हम लोग आगामी रणनीति हमारी ये है कि भोपाल में कुछ ही समय में एक महापंचायत का आयोजन होना है, और हम लोगों के लिए नई नीति, नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है शिवराज जी के द्वारा, और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा होना है। घोषणा होने के पूर्व हमारी एक महापंचायत के रूप में हमको एक डेट आना निश्चित है, और डेट जैसे ही आएगी हम सभी भोपाल जाएंगे, और सभी बहुत बड़ी संख्या के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री जी महोदय के समक्ष अपनी वहाँ संख्या के साथ वहाँ बैठेंगे, और उनके जो द्वारा जो बताया जाएगा उसको सुनेंगे, इसके बाद हमारा नियमितकरण होना संभव है। तो भोपाल जाकर ही आप लोगों का निर्णय होगा, यानी कि किस चीज किस किस चीज़ों पर आपकी मांग रखी गई है? अभी जो मांग पत्र गया है हमारा मुख्यमंत्री जी के समक्ष यही गया, अभी भेजा गया, 3 पॉइंटों पर गया है, 3 बिंदुओं पर गया है। वो है पहला नंबर का 12 माह का सेवा काल और 62 साल की अवधि तक हम सेवा का हम लोगों का अवसर मिले सेवा का, और इसके बाद जो इस पद को रिक्त न माना जाए, और हमारे पद पर कोई नया ट्रांसफर या नई भर्ती से कोई भी शिक्षक ना आए, ये पहला बिंदु है। दूसरे नंबर पे है कि 12 माह के बाद दूसरा बिंदु ये है हमारा कि हमारे जो साथी पूर्व में कार्य करते रहे 10 साल 8 साल 5 साल 6 साल जितने भी करके हट गए हैं, और उनको किसी कारण से पद नहीं मिला है, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, उनको पुनः उन्हीं जो भी नए पद सृजित होंगे उन पर लिया जाए, वापस लिया जाए बोनस अंक के साथ। तीसरे नंबर पे हमारी मांग थी हमारे लोगों का एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिसमें हम लोगों के लिए अभी ऐसा मुझे सूचना मिली है कि मानदेय दोगुना करने की मुख्यमंत्री जी ने योजना बन चुकी है। चौथे नंबर पर जो लोग डीएड बीएड नहीं है और कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, उनको डीएड बीएड कराया जाए शासन के व्यय के आधार पर, यही हमारी मांगे हैं, और इन मांगों में से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी अतिशीघ्र इन्हें पूरा करेंगे, जो महापंचायत के माध्यम से जिसकी घोषणा की जाएगी।